तो मेरे भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक पैराशूट। पैराशूट बनाकर हम हमारे ड्रोन में लगाने वाले। तो दोस्तों, आप जानते हो कि पैराशूट सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है। अगर ये जो पैराशूट ऑलरेडी हमारे DJI Phantom 4 Pro और DJI Mavic Pro में आ चुका है, तो ये जो अभी जो पैराशूट है ये हमारे होम मेड ड्रोन में भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये पैराशूट आपके ड्रोन में भी रहना आप चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना, और तभी तो आपको छोटी सी छोटी चीज़ तभी तो पता चलेगी कि असल में पैराशूट के पीछे कितनी बड़ी कहानी है। तो पैराशूट बनाने के लिए तो हम यहाँ नहीं बना सकते ग्राउंड में, तो हमको चलना पड़ेगा हमारे स्टूडियो की तरफ। बढ़ते हैं जल्दी से हमारे स्टूडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पैराशूट। दोस्तों, ये जो पैराशूट है मैंने अम्ब्रेला से इसको निकाल लिया है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास अम्ब्रेला रहेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर जाकर पैराशूट का रेडीमेड क्लॉथ खरीद सकते हो। ठीक। तो दोस्तों, आपको चाहिए एक ऐसी रस्सी, और ऐसी रस्सी लेने के बाद इसको सेम लेंथ के 8 पीसेस कट करो। ठीक है दोस्तों, रस्सियाँ 8 कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। दूसरी तरफ देख सकते हो, तो यहाँ पर स्टिच मैंने आठों तरफ मतलब 8 साइड्स मैंने इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ तो दोस्तों, मैंने मेरे ड्रोन में APM 2.8 जो फ्लाइट कंट्रोलर है मैंने पूरा नीचे रख दिया, मिडिल पोजीशन में रख दिया, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर पूरा पैराशूट का सिस्टम लगने वाला है। तो ये रहा पैराशूट का रस्सियाँ, ये रहा फ्रेम का, तो इसको घांटी डाल देना। दोस्तों, मेन आपको पैराशूट ओपन होने के लिए दोस्तों पहले आपको पैराशूट कितना अच्छा आप पैराशूट को फोल्ड करते हो उतना जल्दी आपका पैराशूट जल्दी से ओपन होगा। तो पैराशूट फोल्ड करने का तरीका ये है कि दोस्तों, ये जो ऑफ है मतलब पूरा पैराशूट का ऑफ है, तो इसमें आपको एक और ऑफ करना है। दोस्तों, पैराशूट कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों, अब हम इसको लॉक सिस्टम बनाने वाले हैं। आपको चाहिए एक सर्वो मोटर लॉक सिस्टम बनाने के लिए। सर्वो मोटर की जो वायर है चैनल नंबर 6 पे लगा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये जो लॉक सिस्टम मैंने सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, अब हम ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं। तो बाद में दोस्तों, ये जो स्विच है मतलब मैंने चैनल 6 का जो स्विच है, तो मैंने चैनल 6 जो है मैंने इस पर लगा है। जैसे कि मैं इसको ऐसा करता हूँ, तो ये जो लॉक दिख रहे हो ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये जो पैराशूट है कुछ इस तरह से हवा के डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे 3 इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा हूँ जो आपको ड्रोन उड़ाने से पहले आपको तीनों है वो फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपके ड्रोन का जो वेट है उसको मेज़र करना है। मेज़र करने के बाद दोस्तों, आप एक वाटर बॉटल लेकर जो ड्रोन का वेट है दोनों को इक्वल रखकर जो पैराशूट आपने बनाया पहले वाटर बॉटल में उसको बांध के एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाकर उसको थ्रो करो। मेरा जो दोस्त है ऊपर से पैराशूट फेंक रहा है वाटर बॉटल के साथ, तो आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ड्रोन है वो कितना स्पीड से नीचे लैंड करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के बाद आप ये तय करना कि आपको कितना बड़ा पैराशूट बनाना है आपके ड्रोन को स्लोली लैंड करवाने के लिए।
देखा आपने कि मेरा जो ड्रोन का हालत क्या हुआ है इस एक्सपेरिमेंट मतलब इस प्रोजेक्ट बनाने के वक्त। तो दोस्तों मैं आप ये नहीं चाहता कि ये मेरे जो मेरे साथ क्या हुआ वो आपके साथ भी हो, तो मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ ऐसे जगह उसको फर्स्ट टाइम इसको फ्लाई करना है कि जहाँ पर आपको नीचे कुछ इस तरह के झाड़ वगैरह दिखना है। अगर ये प्रोजेक्ट और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इसके बाद को 3-4 वीडियोस इससे मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक लिए गुड बाय।